जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 11:02 और 14 मई 2019 मंगलवार, 14th मई 2019, 11:02 AM ट्यूसडे। कल वैसे गुड मॉर्निंग पोस्ट तो कल ही आपको मिल गया था, यानी कि इवनिंग में मिल गया था। चलिए आज क्या क्या लिखा हूँ वो दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप अपने तरफ से अपना दिमाग लगा के करिएगा, मुझे देख के मत फॉलो करिएगा। मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। अगर आपको जचे तो करना, नहीं जचे तो मत करना। लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो आपका, वरना अपना एडवाइजर से पूछ के करिए। अच्छा, सूरत में 11 तारीख 19 तारीख को ट्रेनिंग है, किसी को इंटरेस्ट हो तो बात कर लेना। सबसे पहले ये देखिए, ये 1 घंटे पहले लिखा था मैंने, करीब 9:21 पे, 9:21 AM क्या लिखा, ब्रेकआउट ऑफ 11,118 निफ्टी स्पॉट रीटेस्टेड। नाउ इंटरेस्टिंग टू सी लो कितना बनता है और फिर 11,118 के ऊपर बंद कर पाता है कि नहीं। अगर 11,118 के ऊपर अब क्लोज आएगी तो बाई पोजिशनल विथ स्टॉप लॉस ऑफ एनी क्लोजिंग बिलो 11,118, टारगेट 11,800 प्लस टिल 23rd मई। साला बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया प्रमोद भाई। एनीवे 9:57 AM पोजिशनल बाई, आज 11,109 का स्टॉप लो बना दिया तो आपको स्पॉट में पता ही है, और मैंने कल के वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाया था। पोजिशनल बाई निफ्टी फ्यूचर्स नाउ एट द रेट ऑफ 11, ये कितने बजे दिया हुआ है, 9:57 पर 11,160 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 11,049, टारगेट 11,600, 11,700, 11,800 टिल 23rd मई। उसके बाद ये दिया 57 मिनट्स पहले, यानी कि 10:05 पे, इंट्राडे बाई मदरसन सुमी फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ 120.60, नाउ स्टॉप लॉस इज 118, टारगेट इज 124 प्लस इंट्राडे। ये क्या लिखा है मैंने, ये 56 मिनट पहले लिखा था, 10:08 पे, एक्सपेक्टिंग 82 100 पॉइंट्स प्लस क्लोजिंग टुडे। ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, इट्स नॉट ए कॉल। फिर एक 54 मिनट पहले लिखा था, 10:09 पे, पोजिशनल बाई SBI इन फ्यूचर्स ओनली बिटवीन 305 to 306, स्टॉप लॉस 301 पोजिशनल है और टारगेट 339 टिल मई एक्सपायरी। फिर लिखा अभी कुछ 23 मिनट पहले, यानी कि 10:41 पे, बाई RIL फ्यूचर्स नाउ एट 12:48 इंट्रा, स्टॉप लॉस 12:36, टारगेट 12:71 इंट्राडे। बस यही है। सो थैंक्स अलॉट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।